बीजेपी विधायक गणेश नायक ने आज एरोली सेक्टर 6 के जनसंपर्क कार्यालय में सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। प्रथम विधायक संदीप नायक की संकल्पना से प्रारंभ हुए इस सेवा केंद्र में जाति प्रमाण पत्र, आय, आवास और डोमिसाइल एवं वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र जैसे सहकारी दस्तावेज प्राप्त हो सकेंगे। पूर्व मंत्री गणेश नायक ने विश्वास जताया कि इस सेवा केंद्र में सिर्फ एरोली ही नहीं बल्कि नवी मुंबई करों को जरूरी दस्तावेज पाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में पूर्व मेयर सुधाकर सुनावने, अनंत सुतार समेत तमाम बीजेपी पदाधिकारी मौजूद थे। देखें रिपोर्ट। एरोली सेक्टर 6 में आज से सेवा केंद्र का शुभारंभ हो गया। एरोली के प्रथम विधायक संदीप नाईक की संकल्पना से प्रारंभ हुए इस सेवा केंद्र में जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजनशिप कार्ड, हायर शिप सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमी लेयर समेत तमाम सरकारी प्रमाण पत्र हासिल हो सकेंगे। आज इसका उद्घाटन करते हुए पूर्व मंत्री विधायक गणेश नाईक ने कहा कि अक्सर छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और नौकरी के तलाश में जुटे युवाओं को ऐसे प्रमाण पत्रों के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता है, ज़्यादा समय और ज़्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ता है, लेकिन एरोली के सेवा केंद्र में ऐसे सभी दस्तावेज आसानी से मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग बेहद गरीब हैं अथवा दिव्यांग हैं, ऐसे लोगों को यहाँ बिना शुल्क लिए ही मुफ्त प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नहीं, देखिए बात ऐसी कि आजकल जो भी कोई बिजनेस करो, एजुकेशन लो, कौन सी चीज़ भी पाने का प्रयत्न करो तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एविडेंस लगता है, और इसके लिए जो भी एविडेंस चाहिए वो ई सेवा केंद्र के मार्फत उस चीज़ की उपलब्धता की जाएगी। लोगों को लूटने का काम किसी कई कई लोगों के माध्यम से हो रहा है, उस पर बंधन डालने का एक काम यहाँ से ज़्यादा होने वाला है। किसी भी हालत में कोई ज़रूरतमंद आदमी को कौन सी भी जो सर्टिफिकेट की ज़रूरत है वो पाने का मार्ग भी बताया जाएगा और वो पाने के लिए लोगों को पूरी मदद यहाँ से की जाएगी, इसके लिए इस केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र के प्रायोजक संदीप नाईक ने लोक नेता गणेश नाईक के योगदानों का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ लोग नवी मुंबई की प्रगति और छवि को खराब करना चाहते हैं। इसे बल देते हुए पूर्व मंत्री गणेश नाईक ने महाविकास आघाड़ी सरकार और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे पर जोरदार हमला बोला। गणेश नाईक ने कहा कि जो लोग थाने, कल्याण और डोंबिवली को बर्बाद कर चुके हैं, वे नवी मुंबई की छवि को भी बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने विरोधियों द्वारा की जा रही घेराबंदी पर तंज कसते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी के नेता बोलते हैं कि नवी मुंबई से गणेश नाईक और बीजेपी को हद्दपार करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि नवी मुंबईकरों ने बीजेपी को फिर से सत्ता सौंपने का निश्चय कर लिया है। गणेश नाईक ने जोर देकर कहा कि नवी मुंबई में 3 नहीं 4 भी पार्टियां आ जाएं तो भी बीजेपी की जीत होकर रहेगी। नई मुंबई की जनता ने 1995 से 2020 तक 25 साल भले प्लस माइनस में संख्या होगी, लेकिन पूरा नेतृत्व गणेश नाईक को दिया था। आने वाले दिनों में तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके टाइम में तो लोगों की बॉडी लैंग्वेज बहुत बदली हुई है। लोगों ने डिसाइड किया है कि किसी भी हालत में अपने बच्चों का भविष्य, शर का भवितव्य गणेश नाईक के हाथों में देना है, और वो भारतीय जनता पक्ष की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पक्ष के कार्यकर्ताओं की त्याग की जो भावना है, उस चीज़ को कबूल करते हुए लोगों ने मन में डिसाइड किया है, पक्का किया है कि आने वाले दिनों में शांति के साथ में ये शर का जो डोर है ये भारतीय जनता पक्ष के हाथ में परिवार में, यहाँ पे नेतृत्व मैं कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में देने का उन्होंने डिसाइड किया है, और जनता की अंदरूनी वो चाहते, लोग चिल्ला चिल्ला के बोलने वाले नहीं है, वहाँ पे कई लोग मैदान में आके बोलने वाले नहीं है, लेकिन लोगों ने मन में डिसाइड किया है। आज से कोल्हापुर में को जाएंगे तो राजनीति वाले बोलते हैं कि आमच ठरले, आमच ठरले,
या नई मुंबई की जनता ने भी डिसाइड किया, पक्का मन में डिसाइड किया है कि यहाँ पे भारतीय जनता पक्ष का नेतृत्व रहे और आपने इस शहर की जनता की जो सुविधा है उसको बरकरार रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।